Hi everyone, welcome to this session by Gyan. I am Piyush Sardana, your buddy English language teacher. Guys, we have come across various videos till now and मैंने आपको बहुत कुछ बताया है कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं. सो एक छोटा सा छुपा रुस्तम सा कंसेप्ट है जो मैं आज आपको बताने आया हूँ, जिसमें एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत सारे बन जाते हैं. लाइक अ क्वेश्चन फॉर यू गाइज, चेक दिस आउट एवरीबडी, बी फोकस. और बहुत सिंपल है ये, आपने सुना होगा, बहुत ज्यादा यूजेज दिखती है मैनी के साथ अ लगे हुए की. मैनी अ, लाइक एग्जाम्पल देता हूं आपको. आई से मैनी अ मैन इज ड्राउनिंग इन द रिवर. मैनी अ मैन इज ड्राउनिंग इन द रिवर. आपके पास एक सेंटेंस अवेलेबल है, मैनी अ मैन इज ड्राउनिंग इन द रिवर. So when we talk about this word many a, इसका exact meaning क्या होता है? One out of many, बहुतों में से कोई एक. अब आपके सामने है बहुतों में से कोई एक. अब कोई एक हुआ singular या plural? Of course sir, अब कोई एक की बात हो रही है तो answer तो definitely क्या होगा? Singular होगा. Now we are very sure about this fact कि भाई अगर आपने many a से start किया sentence को, तो उसका मतलब होता है बहुतों में से कोई एक. Which means कि भाई वो एंट्री तो आपकी क्या होगी? सिंगुलर एंट्री होगी. अगर गाइस वो एंट्री आपके लिए एक सिंगुलर एंटिटी है, तो डैम श्योर इसके बाद जो वर्ब फॉलो होने वाला है बाद में, वो भी वर्ब भी क्या होगा? ऑफ कोर्स सिंगुलर होगा. और विच इज वेरी वाइटल, बिकॉज आपको पता होना चाहिए वर्ब का यूजेज कैसे आएगा. तो यहां से प्रूव क्या होता है? मेनी अ मैन. अब इज आपके लिए जो वर्ब है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है? सर ऑफ कोर्स वो सिंगुलर चल रहा है, तो यहां तक तो मैं कहूंगा नो एरर है. और जरूरी नहीं है ये मैनी अ की है, आप चाहें तो इसके साथ एक वॉवल वाली साउंड का वर्ड लगा देंगे तो भी चल जाएगा. जैसे मैनी एन ऑफिसर वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग. मैनी एन ऑफिसर वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग, ऐसा कुछ आया. मैनी एन ऑफिसर का मतलब क्या होता है? बहुतों में से कोई एक. तो यहां से प्रूफ क्या होता है? वॉज लगाया आपने किसको देकर? बिकॉज ये स्टार्ट किससे हुआ? मैनी अ या मैनी एंड से. तो देखिए मैनी अ स्लैश एंड जब भी सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे उसकी हिंदी क्या आएगी? बहुतों में से कोई एक. और एक चीज आप ध्यान से स्टार्ट करेंगे, ये देखें, कहता बहुतों में से कोई एक है तो वर्ब भी क्या होगा? डैम श्योर सिंगुलर विदाउट एनी डाउट. But do you know something really? वो क्या था एग्जाम में? ये देखिए सर, once there was a question in the exam, it was like this. Past form में था. It was many a children knew the answer. अब इसकी हिंदी पता क्या? बहुतों में से किसी एक को आंसर तो पता ही था. बट आपको एक चीज ध्यान से देखनी है, वही लॉजिक जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया. अभी क्या बताया? कहता यार मैनी अ या मैनी एन दिख जाए, मैनी अ या मैनी एन दिख जाए, उसके बाद जो वर्ब फॉलो होना है वो सिंगुलर होना है. बट सिंस यहां पर टेंस कौन सा है आपका? पास्ट टेंस है, तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता है सिंगुलर प्लूरल का, बिकॉज मैंने डायरेक्टली इंडेफिनेट लगाया, व्हिच इज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. एंड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में सिंगुलर प्लूरल का कोई रोल ही नहीं है, ना कोई प्रॉब्लम होगी आपको. तो ना एक चीज देखकर पता लगी कि इनसे आपको ये चीजें तो मिल जाती हैं कि आपने जब भी मैनी अ या मैनी एन देखना है, अ स्लैश एन, तो दोनों लिख दिए मैंने. जब भी आपने ये देखना है तो इनके बाद जो वर्ब फॉलो होगा वो वर्ब हर बार क्या होगा? सिंगुलर, बिकॉज इनका मतलब क्या है? बहुतों में से कोई एक. तो ये वर्ब आपने लगाया सिंगुलर. अब अ एन का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? सर अ एन का मतलब तो होता है एक. अगर अ एन का मतलब गाइस एक है, तो यहां से एक चीज बात और क्लियर होती है. कहता एक के बाद आपको एंटिटी भी एक चाहिए. चेक करें अ मैन, एक आदमी. यहां चेक करें अगले वाले में जो था मेरे पास अवेलेबल, एन ऑफिसर, एक ऑफिसर. अ चिल्ड्रन, एक बच्चा. तो एक बच्चा कम्स आउट टू बी अ चाइल्ड. So, यहां से ना एक फैक्ट आपके पास और क्लियर होकर आता है. वो क्या है? वो और सिंपल वे से बताता हूं आपको.
He says, कहता मैंने a slash and देखा, जब भी आपने मैंने a slash and देखा, इसके साथ जो verb आता है, वो हर बार क्या आता है? Of course singular आता है, but एक चीज और याद रखनी है, verb भले singular हो जाए, साथ में जो subject आएगा वो भी है, तभी इसको बोला जाता है exam oriented questions का एक part, right? तो check करें एक बार. It says many a slash an follows a singular verb along with what? Kehta subject bhi to singular hona chahiye. Along with a सिंगुलर सब्जेक्ट, राइट? सो आपको एक छोटा सा पार्ट तो पता लगा. अब ना इसके साथ एक लिंक होता है गाइस, वो भी आपको बता देता हूं. ये देखिए, इसको ध्यान से देखेंगे, ये और इजी पार्ट है. द नंबर ऑफ ऑफिसेस dash gone up to 43 in Chandigarh. जो offices का number है वो चंडीगढ़ में 43 हो गया है. तो आपको एक और चीज याद रखनी guys. कहता है ये जो है ना the number of, इसी के साथ का एक linked part और क्या हो जाता है, that comes out to be a number of. तो देखे a number of offices लगा दिया. The number of offices dash gone up to 43 in Chandigarh. A number of offices dash gone up to 37 in Chandigarh. अब भाई आपको ये देखकर तो पता लग गया कि यहाँ बात किसकी हो रही है. But can you find out the difference between them? छोटा सा difference है. वो क्या है? कहता एक जगह लिखा है the number of और दूसरी जगह लिखा है a number of. अगर कुछ ऐसा available है guys तो इसको आप damn तरीके से clear कर सकते हैं. क्या? The number का मतलब मान के रखे वो नंबर फिक्स्ड हो गया है, क्योंकि द इटसेल्फ रिजेंबल समथिंग दैट इज कॉल्ड अ फिक्स्ड थिंग फॉर यू. और अ नंबर ऑफ का मतलब वेरिएबल है. तो याद करने का तरीका, अ नंबर ऑफ वाला प्लूरल, अ से याद रखें प्लूरल, यानी कि जैसे आर होता है, और द वाला बच गया इज वाला व्हिच मींस सिंगुलर. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल हो जाएगा. ही सेज पहले क्वेश्चन में द नंबर ऑफ ऑफिसेस है, तो इट कम्स आउट टू बी हैज गॉन अप टू 43, और a number of आ जाएगा, फिर comes out to be have gone up to 37 in Chandigarh. देखो कितना सिंपल पार्ट आया, a number of और the number of से ही चेंज हो गया पार्ट. तो such questions have got like properly एक छुपे रुस्तम की तरह आ जाते हैं, and person को लगता है कि यार ये this was unexpected. So these are some unexpected questions जैसे आपको देखने को मिलते हैं. आपको एक छोटा सा example और देता हूँ guys, और वो शायद और क्लियरेंस लेकर आए. एंड एवरीबॉडी नोज दिस कि एग्जाम के पार्ट में यू नीड टू बी वेरी वेल वर्स्ड विद ऑल दी एस्पेक्ट्स. आपने एटलीस्ट सारे कॉलम्स टच किए हो. ऐसा ना हो कुछ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड आ रहा हो, बिकॉज अनएक्सपेक्टेड कुछ नहीं होता है, जस्ट हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है ना वो एक तरफ शिफ्ट हो जाती है. तो हमको लगता है कि जो लेफ्ट ओवर पार्ट है ना, दैट इज कॉल्ड अनएक्सपेक्टेड पार्ट. सो मेक श्योर आप डील भी वैसे करें, बिकॉज एग्जाम में यू नेवर नो कब आपको चीज कोई सरप्राइज दे दे. कब कोई चीज सरप्राइज दे दे, देयर इज नो एविडेंस टू दैट थिंग आउट. सो एक बार छोटा सा चीज देखते हैं यहां पर, एंड आपको पता भी लग जाएगा देखकर कि कितना सिंपल कंसेप्ट था. इट सेज
गवर्नमेंट हैज बीन लुकिंग टू इम्प्रूव द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ऑफ द कंपनी, थोड़ा सा एडिशन, फ्रॉम देयर पर्सनल बजट, बजट की बात कर लेते हैं, मैं ट्रेजर लिखने लगा था बट उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि आज वैसे भी बजट का जो सेशन है वो शुरू हो गया, आपको पता ही होगा, राइट? सो देखिए, द गवर्नमेंट हैज बीन लुकिंग टू इंप्रूव द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम देयर पर्सनल बजट। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने गाइस। नाउ वी नो दैट सब्जेक्ट आपका गवर्नमेंट है और ये आपका हैज बीन है जो कि वर्ब के तौर पे काम कर रहा है, टू बी वेरी प्रिसाइज द हेल्पिंग वर्ब फॉलोड बाय एन एक्शन वर्ब ओवर हियर, राइट? और टू के साथ तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता ही आता है, राइट? अब इसको ध्यान से देखेंगे, कहता है इन सेंटेंसेस में आपको देखकर पता लग जाता है, पहली बार टेंस, टेंस कौन सा है सर? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। सिंस ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है गाइस, तो ये बात करता है टाइम के वेरिएबल, लाइक आई एम टीचिंग इंग्लिश, लेकिन आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। तो दीज आर टू एस्पेक्ट्स जो आप डील करा सकते हैं। तो कहता है यहां पर कोई टाइम का तो पार दिया ही नहीं हुआ। अगर गाइस यहां पर टाइम विजिबल नहीं है, टाइम दिया नहीं है, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को नहीं यूज कर सकते, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट विदाउट टाइम और आपको यूज करना आईएनजी, दैट हैज टू बी व्हाट? प्रेजेंट कंटीन्यूअस, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेजेंट फैमिली। तो इट शुड बी क्या हो जाएगा, द गवर्नमेंट is looking to improve the safety standards of the company from their personal budget. तो आप कहोगे सर ये tenses में आ गया था, but ठीक है, हो जाएगा exam में. But did you know that? कहता है आपके पास यहाँ पर pronoun आया there, यानी वो government को actually में government के officials बता रहा है, तभी तो उनका personal budget लग रहा है. But आपको अंदर नहीं जाना, आपको ये देखना है कि there है. There itself resembles something which is called a plural platform for you. अगर ये platform plural है, तो it should be the government. इज की जगह इट बिकम्स आर, द गवर्नमेंट आर लुकिंग टू इंप्रूव द सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ द कंपनी फ्रॉम देयर पर्सनल बजट। सो आज छोटी मोटी ट्रिक्स बताई है मैंने आपको, और ये जो अनएक्सपेक्टेड का टैग लेकर चलती है जिनको हम छुपा रुस्तम भी बोलते हैं, दीज आर द क्वेश्चंस दैट कम एज ब्लेसिंग इन डिसगाइजिंग द एग्जाम फॉर्म, राइट? स्टे ट्यून्ड फॉर इट, थैंक यू।